व्यूअर्स, आज आप हमको बताएंगे ही ये तीन किस्म के चूल्हे हमारे साथ, इसके बारे में बताएंगे कि इम्पोर्टेड कौन सा है, चाइना कौन सा है, पाकिस्तानी कौन सा है। ये भी पाकिस्तानी है, ये इम्पोर्टेड है, ये भी पाकिस्तानी है। ये जो है ये हीटीबल है, मार्बल के अंदर लगता है, मार्बल के ऊपर भी लग सकता है किचन में। ये भी मार्बल के ऊपर लगता है, मार्बल के अंदर भी लग सकता है। ये जी ओरिजिनल स्टील से बना हुआ नॉन मैग्नेट, ये हीटेबल है, हीट्स की वजह से ये ना क्रैक होता है ना टूटता है। ये जो पाकिस्तानी जो है ये सस्ता है थोड़ा, लेकिन आप धोखा ना खाएं, आप हमेशा चाइना की इंपोर्ट लें। पाकिस्तानी जो है वो हीटेबल नहीं है, ज़्यादातर टूट जाती। इसमें ये तीन ऑप्शन दिए हमें, ये आप देख सकते हैं, ये मिनिमम और मैक्सिमम दोनों इसमें जी, ये तीन ऑप्शन है हमारे पास। लेकिन आप इनकी क्वालिटी को चेक करें और इनकी क्वालिटी को चेक करें। इसका जो 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 ग्लास लगा हुआ है ये बहुत नाजुक है, और इसका जो गिलास लगा हुआ है इसमें काफ़ी डिफरेंस है। आप जब भी चूल्हा लें उनमें आप ख़ुद चेक करें उनके गिलास का, ये 6 mm का है, ये 3 mm का है। आप इसको गिलास को खुद टच करके पता लगा सकते हैं। अच्छा, इसमें जो है ये ऊपर वाला जो है ये नॉन मैग्नेट स्टील में बना हुआ है। अच्छा, हम आपको इसकी साइड इफ़ेक्ट के बारे में बताते हैं। ये जो है अगर ये किसी वजन से टूट भी गया तो ये सिर्फ टूटेगा, ब्लास्ट वगैरह नहीं होगा। अगर ये ब्लास्ट होता है घर में ख़वातीन काम करने के दौरान या कुछ पकाने के दौरान, इसके शीशे के ज़र्रात आपके चेहरों को भी टच कर सकते हैं, आपके जिस्म को भी टच कर सकते हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा है, ज़्यादातर कंप्लेंट इस पर हमें आ रही है। ये ब्लास्ट भी होता है, और इसमें जो इम्पोर्टेड चाइना का जो है ये ब्लास्ट नहीं होता। और आप हमेशा लेते वक्त एहतियात करें, अगर इससे आप अगर आपको परेशानी हो आप हमेशा नॉन मैग्नेट स्टील वाला लें। हमेशा याद रखें नॉन मैग्नेट स्टील वाला, क्योंकि नॉन मैग्नेट जंग नहीं होता, मैग्नेट जंग होता है। ये दो बातें आप जहन में हमेशा रखिए। व्यूअर्स, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें आपकी लाइक और कमेंट की आप दें हमें, क्योंकि हमारा हौसला बड़ा बुलंद होता है। शुक्रिया।